measurement of time. So in previous classes we discussed the measurement of length and measurement of mass. So in this class we discuss the measurement of time. So what device we are using to measure the time? As we all know that a clock is used to measure the time. The SI unit of time is second. SI unit of time is second. So we use in nowadays we use a cesium clock also known as atomic clock. Cesium clock or atomic clock, in which the time is based on periodic vibration of cesium atom. So इसको cesium clock क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे टाइम सीजियम एटम के एटॉमिक वाइब्रेशन के ऊपर टाइम डिपेंड है. सो वी आर यूजिंग नाउअडेज सीजियम क्लॉक व्हिच इज आल्सो नोन एज एटॉमिक क्लॉक, इन विच द टाइम इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द सीजियम एटम. पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द सीजियम एटम, इन सीजियम एटम 1 सेकेंड, इन सीजियम एटम 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी वाइब्रेशन? 9192631170. This much of vibration is equal to 1 second in cesium atom. So 1 second in cesium atom is equal to 9192631170 of vibration in between two hyperfine levels of the ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम एटम. सो ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम में इतने वाइब्रेशन होते, इतने अमाउंट में वाइब्रेशन होते 1 सेकेंड में. सो ये एक्यूरेसी से हम टाइम मेजर करते, ये एक्यूरेसी से हम टाइम मेजर करते. सो एज वी नो दैट टाइम वेरीज फ्रॉम 10^-24 सेकेंड्स टू 10^-7 सेकेंड. 10^-27 सेकेंड टू 10^+7 सेकेंड. 10^-27 सेकेंड इज फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल्स. एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए हम ले सकते एलिमेंट्री पार्टिकल्स. और 10^7 फॉर यूनिट बेस, यूनिट बेस के लिए हम कंसिडर कर सकते 10^+7. जैसे हम लेंथ के केस में देखे थे, लेंथ वेरियस हो रहा था, इजीली हम मेजर कर रहे थे 10^-2 तक. जैसा कि हम मास भी देखें, मास ऑफ यूनिवर्स, तो इसी तरह टाइम भी क्या रहेगा 10^-24 सेकेंड टू 10^+7 सेकेंड. सो ए सीजियम क्लॉक, सीजियम क्लॉक इज यूज टू मेजर एक्यूरेट टाइम. So, one mask के लिए question पूछता है, which clock is used to measure the accurate time? तो हम क्या लिखना है वहाँ पे? Cesium clock, also known as atomic clock. Atomic clock भी लिख सकते हैं, cesium clock भी लिख सकते हैं. So, which clock is used to measure the accurate time? Cesium clock or also known as atomic clock. So, our system, our time system present in New Delhi, that is IST. Indian Standard Time, IST. So that IST is again based on cesium clock. ये सीजियम क्लॉक के ऊपर बेस रहता है. जैसा कि हमारे मोबाइल फोन में जब भी टाइम अगर गलत हो गया तो हम डाटा ऑन करने के बाद या फिर नेटवर्क कनेक्शन से टाइम को हम ऑटोमेटिकली सही कर ले सकते. टाइम कितना भी गलत हो जाओ फिर हम उसको ऑटोमेटिकली सही कर ले सकते. उस पर रहता IST. दैट IST स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. मोबाइल फोन में देखो तो हम दो ऑप्शन रहते हैं, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल.
एनुअल में हम एडजस्ट कर ले सकते टाइम, ऑटोमेटिक के बाद जो रहता है आईएसटी, हां ब्रैकेट में रहता है आईएसटी, हां सो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सो दिस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड अपॉन दिस मच ऑफ वाइब्रेशन, 1 सेकंड में इतने वाइब्रेशन ऑफ द सीजन एटम के अंदर, हां सो ये एटम के ऊपर बेस्ड रहता है, ये वाइब्रेशन के हिसाब से टाइम क्या है कैलकुलेट करना, इजीली इसको मेजर कर सकते, सो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ टाइम। नाउ वी कैन राइट फॉर बेसिस यूनिट, बेसिस यूनिट और आल्सो नोन एज फंडामेंटल यूनिट, आल्सो नोन एज फंडामेंटल यूनिट, सो उनसे भी क्वांटिटी देखिए, बेसिस यूनिट ले सकते हैं हम, फंडामेंटल यूनिट ले सकते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होना, हम ऐसा यूनिट ले लेंगे जैसा कि हम फोर्स ले, फॉर एग्जाम्पल फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या थे न्यूटन आते, फोर्स के एसआई यूनिट क्या थे न्यूटन आते, फोर्स की मीनिंग क्या आते मास इनटू एक्सेलरेशन होती है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, फोर्स में मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के एसआई यूनिट क्या है किलोग्राम में आ गया, एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी बाय टाइम होता, अगेन केजी, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ये टाइम ऑलरेडी है, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये केजी हो गया, अभी फंडामेंटल में आ गए, हां सेकंड एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है ना डिस्टेंस में मेजर कर रहा है, हां डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ होता है, तो ये क्या आ गया मीटर आ गया, तो यहां पे टाइम इनटू टाइम है ना टाइम स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर टाइम स्क्वायर में यहां पर सेकंड स्क्वायर सेकंड, सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ फोर्स, वो चीज में रहे एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट तो न्यूटन आती फोर्स की, बट ये कौन सी बेसिस यूनिट, कौन से भी क्वांटिटी का फिजिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करके उसकी बेसिस यूनिट इजीली लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं वर्क, वर्क के मीनिंग क्या होते हैं टर्म्स ऑफ फॉर्मूला ऑलरेडी इन द वर्क मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डिस्प्लेस हो रहा है, तो वहां पे वर्क लग रहा है, हां वहां पे वर्क हो रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगेन फोर्स मींस मास इनटू एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमने देखे, हां डिस्प्लेसमेंट एज इट इज, हां ये एज इट इज रखना हमने, मास एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, हां अगेन मास वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टाइम, क्योंकि ये टाइम ऑलरेडी है, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, अभी हो गया फंडामेंटल फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला, अब इसके यूनिट्स लिखो, फंडामेंटल यूनिट्स क्या थे, ये मास है ये डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम, सो मास ही फंडामेंटल का यूनिट क्या, ऑलरेडी हम सेवन फंडामेंटल यूनिट्स में देखे मास ही क्या आना यूनिट्स के, हाँ और टाइम की सॉरी डिस्प्लेसमेंट की मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम की सेकंड स्क्वायर हम लिख सकते हैं के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यह है वर्क की क्या है बेसिस यूनिट, हाँ वर्क की क्या है बेसिस यूनिट, ऐसा यूनिट क्या जो वर्क थी जो ये ऐसा यूनिट वर्क, जिस तरह हम कौन से भी फिजिकल क्वांटिटी या फिर सॉरी कौन से भी ड्राइव क्वांटिटी के हम फंडामेंटल फॉर्म में यूनिट ले सकते हैं, फंडामेंटल फॉर्म जैसे कि फॉर एग्जांपल डेंसिटी है, डेंसिटी डेंसिटी मींस मास बाय वॉल्यूम, मास के साइन क्या है डायरेक्टली लिख सकते हैं केजी, बस सर मास के साइन क्या है केजी और फंडामेंटल यूनिट भी केजी है, हां
नेक्स्ट आता है वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम के लिए, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट और विड्थ. हाइट भी ले सकते हैं, विड्थ भी ले सकते हैं. हां लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. हां तो ये केजी हो गया. सो लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में. ब्रेथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में. हाइट किस में मेजर करते हैं, मीटर में. ये तीनों में लेंथ की क्वांटिटी है बट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में. हां तो यूनिट क्या होगा, दिस इज केजी पर मीटर क्यूब. केजी पर मीटर क्यूब. हां इसी तरह हम मूवमेंट ऑफ लीनियर मूवमेंट ऑफ मीन्स मास इनटू वेलोसिटी होता. लीनियर मोमेंटम मीन्स क्या होता, मास इनटू वेलोसिटी होता. एंगुलर मोमेंटम भी आ सकता है. खाली मोमेंटम भी दिया तो क्या लिखना, मास इनटू वेलोसिटी होता. खाली मोमेंटम भी दिया तो क्या कंसिडर करना हो, लीनियर मोमेंटम. सो अगेन मास रिमेन्स एज इट इज, क्योंकि मास ही केजी में डायरेक्ट ले सकते हैं, बट वेलोसिटी कन्वर्ट करना पड़ता. वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. अब आ गए बेसिक फॉर्म में, ये साइड क्या आ गया, मास ही किलोग्राम. और डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ होता होगी. हां लेंथ की असाइनमेंट क्या है, मीटर. और टाइम की सेकंड. तो इसकी यूनिट क्या होगा, बेसिस केजी मीटर पर सेकंड. दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लीनियर मूवमेंट. सिमिलरली वी कैन राइट फॉर एनी क्वांटिटी, कौन से भी, या तो फिर वो फंडामेंटल क्वांटिटी रहने या फिर ड्राइव क्वांटिटी रहने, कौन से भी क्वांटिटी हम इजीली ये लिख सकते हैं. हां सो रिमेनिंग कंटिन्यू.